प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में चल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले जाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेधादि तेरा चाहे यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संता बहरते रहे, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के, कामनाए पूर्ण होवे यज्ञ से नरना, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, हिरण्य मम का सारी तक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में चल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधियो कल्याण, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, पेज नंबर 50, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे शरण गऊ मैं किसकी, स्वामी शरण गऊ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय
स्वामी कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश तुम्हें हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलू दया मैं किस विध मिलू दया मैं तुम्हें को मैं तुम दी। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरिता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वारे परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जगदीश हरे। आज बड़ा ही शुभ अवसर है कि आपने इस पवित्र शुभ दिवस पर शुभ गृह प्रवेश के अवसर पर यज्ञ किया। यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। सारे वेद सारे शास्त्र सारी उपनिषद यज्ञ की व्याख्या से यज्ञ के महत्व से भरे पड़े। बस एक छोटी सी बात कहता हूं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। कहते गीता में आता है कृष्ण जी कहते हैं कि सही यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। अर्थात उसका भाव ये कि जब सृष्टि की रचना हुई उस समय परमपिता परमात्मा ने जब हम सब मनुष्यों को बनाया इस पूरी संसार को बनाया तो कहते उस समय इसी यज्ञ को भी बनाया और क्या कहा कि हे मनुष्यों तुम इसको बढ़ाओ ये तुम्हें बढ़ाए। जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसकी जीवन में हमेशा खुशहाली और प्रसन्नता है। और यज्ञ का भाव केवल ये नहीं हर जगह यज्ञ हो रहा है जीवन के हर क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है। और यज्ञ की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है मैं समझता हूँ जीवन में हमारे एटीट्यूड में सुधार है। हमारे जीवन में बेटे क्या आता है पॉजिटिव एक्टिविटी बढ़ती है पॉजिटिव माइंड बढ़ता है नेगेटिविटी खत्म होती है। क्योंकि कहते हैं व्यक्ति स्वयं से ही मजबूत है स्वयं से ही कमजोर है। आपने कहावत सुनी होगी ना कि मन के जीते जीते मन के हारे हार। अगर मन को जीत लिया तो जीत लिया और मन को हार दिया तो हार गए। इसलिए यज्ञ हमें मन की जीत सिखाता है और मन की हार को समाप्त करवाता है। जीवन की कैसी भी जटिल परिस्थिति हो कैसी भी स्थितियां कठिन संघर्ष में हो लेकिन यदि उस प्रभु की बुद्धि हमारी बुद्धि के साथ यज्ञ के द्वारा मिली होती है तो कहते हैं सारे कष्ट संकट दूर हो जाए। यही एक भाव है। भक्ति का भाव क्या है कहते हैं भक्ति हमें देती क्या है। जब हम प्रभु की उपासना करते हैं तो आपने देखा होगा आप कार में चलते हैं रस्ते में गड्ढे होते हैं गाड़ी आपकी गड्ढे में गई लेकिन आपको गड्ढे का एहसास कम होता है। क्यों होता है सर सस्पेंशन लगी सोकर उसका बहुत अच्छा है। भक्ति हमारे जीवन में सोकर का सस्पेंशन का काम करती है। यदि उस प्रभु के समीप रहते हैं तो जीवन में कितने भी गड्ढे आ जाएं लेकिन होता क्या है कहते हैं होता यह है कहते हैं कि उस प्रभु की भक्ति से इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है अंदर आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि हमें वो झटके झटके नहीं लगते हैं। इसीलिए ऐसे शुभ अवसरों पर चाहे जीवन में कैसा भी अवसर हो हमारे यहाँ यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये यज्ञ की भावना आपके हृदय में जगे आपके जीवन में जगे और इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार बने और ये घर आपके लिए अत्यंत मंगलमय हो अत्यंत शुभ कार्य हो और हर प्रकार से जीवन में आपको ये घर तरक्की देने वाला हो। यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। आप सब बैठे रहेंगे मैं आपको आशीर्वाद दूंगा और उसके बाद इस यज्ञ को पूर्ण करेंगे। हाथ जोड़िएगा आप सब।